अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का इतवार का ब्लॉग आपकी पेश खिदमत है। और क्या हो रहा है, आज रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी हमारी सुबह हुई है। सुबह से भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि हमारे घर में सुबह और मैं सुबह से गया हुआ था, अभी आया हूँ। नाश्ते का कोई रिवाज नहीं है, आप बस कर दो, झूठ नहीं बोल। दोपहर के खाने का तो है ही नहीं, नाश्ते का भी कोई रिवाज नहीं है। अब रात का खाना जो है वो मिल रहा है, वही हमारा जो है वो तीनों टाइम का खाना होगा। तो हमने 3 प्लेटें खानी है बिरयानी की। तो बिरयानी कौन से प्रकार की बिरयानी बना रही है? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बगैर मसाले के, किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया आपने इसमें? घर का मसाला? सुभान अल्लाह, बड़ी मेरी अम्मी की रेसिपी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है वो अपनी, क्या कहते हैं अपना, सोहन हलवे की खुशबू आ रही है, सोहन हलवे की बिरयानी में से आपके। मैं आपको दिखाता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या लिए। पतीला शरीफ, टमाटर शरीफ नजर आ रहे हैं इसमें ना। सबसे पहले हमने प्याज ब्राउन करी जी, जी फिर उसके अंदर लहसुन पीस के डाला, ठीक है। फिर हम 1.5 किलो चावल पका रहे हैं, तो हमने 3 बड़ी बड़ी प्याज ली थी और एक पूरा जो लहसुन का होता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पोटी पोटी क्या पोटी पोटी पोटी, वो हमने पूरी ली है, सही है। और टमाटर हमने लिए 2 किलो, 1.5 किलो हमारे पास जो चावल है और 1 किलो हमारे पास चिकन है और 2 किलो नहीं, मैं 1.5 किलो चिकन लाया हूँ, लेकिन एक आधा किलो बचा ली, कंजूसी कर रहे हैं। हाँ, तो और 2 किलो टमाटर है और ये दिखाएं, ये हम मैंने भुना है सौंफ। और मैंने उनको बोला था 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त, लेकिन उन्होंने 1.5 किलो चावल कर दिया एज यूजुअली। हाँ, हम चिकन ज्यादा नहीं खा रहे। तो ये सौंफ और साबुत धनिया भून के, साफ सौंफ, अच्छा, इसको हम पीस रहे हैं, सही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे हम क्या डालेंगे। तो आपने देखा रेसिपी, अभी जब तैयार हो जाएगी ना बिरयानी, फिर इसका जो धुआं फ्लेम में से उठेगा ना, उससे पहले भी दिखाना है, वो भी दिखाना है। हाँ। मुझे खाता हुआ दिखा देना बस, अगला अगला एपिसोड वही है। हाँ। और ये दिखा, ये हमने हरी मिर्च पीस के रखी नहीं है, ये हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर चिकन भी डाल दिए हमने, माशाल्लाह माशाल्लाह, और हरी मिर्च भी डाल दी। आप देख सकते हैं फहीम आज बहुत देर से आए ना, तो इसलिए फहीम मक्खन लगाने के लिए मुझे, मेरे लिए ये लेके आए, देख मक्खन लगाने के लिए कितने प्यारे हैं ना। फहीम ने मुझे ये ला के दिए मक्खन लगाने के लिए, और सारे मेरे कमरे में ये ना इधर उधर फूल गिरे जा रहे हैं। और अब जो है ना बिरयानी रास्ते में है, फहीम निकाल रहे हैं वहाँ पे पतीला मुझे, क्योंकि बड़े पतीले की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम आज 1.5 किलो चावल पका रहे हैं, हमारी बिरयानी का जो है मसाला तैयार हो रहा है यहाँ पे। क्या आ गया पतीला, क्या आ गया पतीला, क्या आ गई बिरयानी। तो ये पतीले के अंदर अब हम पकाएंगे चावल, क्या पकाएंगे, चावल। तो भाई रेसिपी छोड़ो ना, सबको तो पता है बिरयानी कैसे पकती है, है ना। हाँ भाई, मसाले आपकी जो मर्जी, आप कुछ भी डाल दें इसके अंदर, आपकी जो मर्जी है, सही है। और हाँ, और चावल जो है ना वो भगार के पकाते हैं हम, तो वो हम आपको दिखा देंगे, नहीं। ये चावल जो है ये अभी हमने पकने रख दिए हैं, प्याज भगार, प्याज हल्की सी कच्ची पक्की करके उसके अंदर लहसुन डालते हैं, लहसुन डालने के बाद सारा साबुत गरम मसाला, और फिर उसके अंदर चावल डाल दिए, फिर ऊपर से सारा हरा मसाला डालते हैं, हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च। तो इन दोनों की जो है ना अभी तय लगेगी, तो वो हम आपको दिखाएंगे। और ये सालन पक रहा है, बिरयानी यू नो बड़ी फेवरेट है मेरी, बिरयानी बन गई है, देखते हैं इसका टेक्सचर, उसकी टेस्ट, उसकी शक्ल, उसका जायका कैसा होता है। तो 3 प्ले अभी देखो कैसी है, ये देखिए, अरे वाह भाई वाह, ये तो आपने तय लगाई भी है। अभी हम इसको ना वो करेंगे, ये आपने गलत रख दिया वैसे, लेकिन बल्कि नहीं सही रखा है, आप इधर आ जाए, जलेगा तो नहीं ये पाइप, नहीं 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 पैप, आप इधर आ जाए, पैप जलेगा तो नहीं, पैप उधर जा रहा था, उधर से बनती थी वीडियो।
वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह भाई वाह, शक्ल तो बेहतरीन है भाई। मामी देखे एक कांटा गया है अंदर आपका। ओहो, मेरी बहू ने डाल दी, मेरी बहू ने पकाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, नीचे के चलाया बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र। अरे वाह, तैयार हो गई माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेक्सचर, बेहतरीन टेस्ट भी लग रहा है कि इसका बढ़िया होगा। तो हमने ये बाहर से मस्जिद के बच्चे बुलाए हुए घर में खाना खाने के लिए। आप देख सकते हैं बच्चे बिरयानी खाने के बाद हमने फूड पांडा से जो है वो आइसक्रीम मंगाई है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा फही मुझे बोलते हैं, ये बहुत बोलती है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। वाह भाई वाह, कॉर्नेटो। अबे तो हमने चार मंगाई थी, ये तीन कहाँ से आ गई? देखो इसके अंदर है क्या, पाँच है। देखो कितने तरीके से ठंडी ठंडी पिघलेंगे बेटा, एक किसी की मार दी उन्होंने। अबे पांच हैं, बेटा तीन हैं। शुक्र मंगाई थी, कॉर्नेटो है ना, मंगाई थी। हाँ मंगाई थी, किसकी ये वाली है? ये मामी की, ये मामी की है, ये फहीम की है। ये है तुम लोग जो मेरी। तो हमने ये आइसक्रीम मंगाई है, अब हम ये आइसक्रीम खाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेचारे लोग बैठे हुए, हमारे घर जो है ना मेहमान भी आए हैं। मेरी रख दो ना, मैं फहीम के साथ खाऊंगी। ये लो ये मेरी, और ये ना इसमें से निकाल के रख दो, फहीम कह रहे थे इसमें से निकाल के रखना। ये लो ये तुम ले जाओ, ये जुगाड़ू आदमी है ना हमारा, एक जुगाड़ू आदमी ना ये लेता है। हाँ एक मिनट, तो अभी हम तस्वीर ले रहे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं और फहीम आइसक्रीम खा रहे हैं। फहीम को देखें आप, फहीम कैसे खा रहे हैं। बड़ी बड़ी सस्ती आइसक्रीम मिली है हमें, 48 की फहीम की और मेरी 79 की। तो हम आइसक्रीम खाने के बाद जो है ना सो जाएंगे। फहीम की आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी आवाज़ में। तो अभी आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तो आज का व्लॉग जो है, हम पार्टी से शुरू किया था, पार्टी पे खत्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग हमारा जो है वो नॉर्मल लगा होगा। आपकी टोपी गिर गई। हाँ तो हमारी पार्टी भी तो ऑफ हो गई है ना, तो सीन जो ऑफ हो चुका है हमारा। और इसी के अपने मन के साथ ना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।